सिंह राजपुरोहित है और आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सही है। आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि हाउ टू यूज लास्ट मोमेंट ट्यूशन वेबसाइट। तो यार हाउ टू यूज क्यों, क्योंकि हम लोग ने हमारी वेबसाइट टोटली वापस से रिनोवेट की है और बहुत सारी नई चीजें हैं, तो आपको पता होना चाहिए और आप किस तरह से इसका ज्यादा से ज्यादा एडवांटेज ले पाओ, तो इसीलिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो चलो शुरू करते हैं। तो लेटेस्ट वेबसाइट में क्या क्या अपडेट्स हैं और किस तरह से आप अपनी चीज़ें आराम से फाइंड कर सकते हो, मैं वो पहले बताता हूँ। तो सबसे पहले जैसे ही आप वेबसाइट खोलोगे तो ये हमारा मेन पेज है वेबसाइट का। आपको क्या करना है, आइदर अगर आप कोई पर्टिकुलर कोर्स सर्च कर रहे हो तो आप डायरेक्ट इस सर्च बार में अपना कोर्स सर्च कर सकते हो, और अगर आपको यूनिवर्सिटी वाइज जाना है तो आपको सिंपल सा ये जो सेक्शन है इस पर क्लिक करना है। फिलहाल लास्ट मोमेंट ट्यूशन पहले मुंबई यूनिवर्सिटी पे फोकस करती थी, बट अभी लास्ट मोमेंट ट्यूशन पे आपको तीन यूनिवर्सिटी के कंटेंट मिलेंगे, मुंबई यूनिवर्सिटी, सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी एंड गुजरात टेक्निकल यूनिवर्सिटी, और इसमें बहुत चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। तो एक एक करके मैं चीज़ें बताता हूँ। तो सपोज मैंने सिलेक्ट कर लिया मुंबई यूनिवर्सिटी, आपको जैसे सिलेक्ट करके क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप क्लिक कर लोगे तो आपका जो पेज है वो खुल जाएगा। कितना ब्यूटीफुल है, आप देख सकते हो यार, या बॉक्सेस विक्सेस बनाया पहले कैसा, थोड़ा सा धीरे धीरे जमाने के साथ अपन भी चलते हैं। तो जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको अलग अलग सेक्शंस मिल रहे हैं। सो लास्ट मोमेंट ट्यूशन पहले वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करवाता था, बट अभी आपको यहाँ पे इंजीनियरिंग का सिलेबस भी मिलेगा, आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स मिलेंगे, आपको टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस की सारी डिटेल्स मिलेंगी। मतलब अभी इसमें हमारे पास 75 कॉलेजेस है और जिसमें आपको कट ऑफ भी मिलेगा और सारी डिटेल कॉलेजेस की यहाँ पे मिलने वाली है। साथ में आपको MU न्यूज़ के जो भी एग्जाम्स की लेटेस्ट न्यूज़ आती है वो आपको यहाँ पे मिलेगी, और ब्लॉग्स जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है वो भी आपको यहाँ पे मिलेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे एग्जाम्स के टाइम टेबल भी मिलेंगे आपको। एग्जाम जैसे अभी कल अपना मैकेनिकल का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था, आज जो डेट है आज 17 मार्च 2021, तो कल 16 मार्च 2021 को मैकेनिकल इंजीनियरिंग का मुंबई यूनिवर्सिटी का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था, तो वो यहाँ पे अपडेट हो चुका है। और CGPA तो हर यूनिवर्सिटी का एक अपना कुछ कैलकुलेशंस होता है, तो किस तरह से आप अपने पॉइंटर्स से CGPA को किस तरह से परसेंटेज में या फिर किसी चीज़ों में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो भी बहुत जल्दी, मतलब विद इन अ वीक वो भी चीज़ यहाँ पे आने वाली है। तो अगर आप मुंबई यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो तो आपको क्या करना है, समझो आपको कोर्सेज पढ़ना है, तो आपको सीधा डिग्री कोर्सेज पे क्लिक करना है। जैसे ही आपने डिग्री कोर्सेज पे क्लिक कर दिया तो सबसे पहले आपके सामने फर्स्ट ईयर का पेज खोलेगा, जहाँ पे आपको सेम 1 सेम 2 मिलेगा। आपको कुछ नहीं करना है, समझो आपको IT का या फिर ESTC का, समझो आपको कंप्यूटर इंजीनियरिंग का थर्ड ईयर का सब्जेक्ट चाहिए, सेम 5 सेम 6 खुल गए ऑटोमेटिक। फाइनल ईयर पे क्लिक करोगे तो सेम 7 और सेम 8 खुलेंगे, तो जिनके बंडल है वो बंडल्स भी आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाते हैं। उसी तरह से अभी हमारे यहाँ पे मैकेनिकल के कुछ कोर्सेज है, ज़्यादा नहीं है, पर धीरे धीरे हम लोग और भी वीडियोस अपडेट करेंगे तो ये भी ईयर वाइज हो जाएगा। ESTC आपको यहाँ पे ईयर वाइज मिलेगा। इतना क्लियर है। अब एक बार बैक करके जाते हैं, तो यहाँ पे आपको कोर्सेज किस तरह से स्क्रॉल करने हैं और अपने कोर्सेज किस तरह से फाइंड करने हैं वो पता चल गया। अब आ जाते हैं सिलेबस में, तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको आपका सिलेबस भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको सिर्फ पांच ब्रांच नहीं, फर्स्ट ईयर कंप्यूटर, IT, मैकेनिकल, सिविल, ESTC, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, केमिकल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, काफ़ी सारे, मतलब बहुत वैरायटी आपके सिलेबस और क्वेश्चन पेपर्स यहाँ पे मिल जाएंगे। यहाँ पे कॉलेजेस में एक बार दिखा देता हूँ, क्वेश्चन पेपर्स आपको वैसे ही उसी तरह से वहाँ पे वो भी दिखेगा। ये सिमिलरली है, आप ये मत सोचो अगर मैं मुंबई का क्यों देख रहा हूँ, मैं तो पुणे और GTU का बंदा, तो सेम चीज़ है, सेम फॉर्मेट हर जगह फॉलो किया गया है। समझो ये देखो VJIT IT कॉलेज के बारे में मेरे को इन्फॉर्मेशन जाननी है, तो यहाँ पे आपको एंट्रेंस एग्जाम्स किस तरह से यहाँ पे एडमिशन होंगे उसके डिटेल्स दी गई है, फीस कितनी है वो डिटेल दी गई है, कोड का डिटेल दिया गया है, उसकी लोकेशन डिटेल्स दी गई है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिली है। बट आपको और चाहिए डिटेल्स तो आप उसको क्लिक करके यहाँ पे कट ऑफ्स के बारे में जान सकते हो, उसके कैंपस प्लेसमेंट्स में यहाँ पे कौन सी कंपनीज आती है, वो सारी डिटेल्स आप lastmomentttuition.com की वेबसाइट से ले सकते हो। अब एक और बार मैं बैक कर लेता हूँ, तो हमने कॉलेजेस देख ली, तो इसी तरह से आप और बाकी कॉलेजेस में स्क्रोल कर सकते हो। अब मैं बैक कर लेता हूँ, तो इसी तरह से सिर्फ मुंबई यूनिवर्सिटी नहीं, आप गुजरात टेक्निकल यूनिवर्सिटी और साथ साथ पुणे यूनिवर्सिटी पे भी जाके ये सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। ये हमारा शुरुआत है, हम धीरे धीरे भाई आगे की और 10 यूनिवर्सिटी को कवर करने वाले हैं, तो यार हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं ताकि आपकी चीज़ें ईजी हो पाए। उसी तरह से मैं आपको एक बार न्यूज़ सेक्शन भी दिखा सकता हूँ। तो न्यूज़ सेक्शन में जैसे अभी लेटेस्ट न्यूज़ आई है मुंबई यूनिवर्सिटी की, कि मुंबई यूनिवर्सिटी लेटेस्ट अपडेट्स ऑन कॉलेज इन मुंबई, थाने नवी मुंबई मे नॉट रीओपन सून क्योंकि कोरोना फैल रहा है। तो उसी तरह से जो भी अपने एग्जाम्स की अपडेट है, कौन सी न्यूज़ है, कहाँ 10 जगह क्यों ढूंढूं भाई, मैं एक ही वेबसाइट पे जाऊंगा जहाँ पे सारी चीज़ें अपडेटेड मिल जाती है मेरे को, lastmomentttuition.com, दैट्स इट ब्रो। साथ ही साथ
हम लोग समझो यार, आप जिंदगी में बिजी हो तो आपको कुछ नहीं करना है, अपना नाम, अपना ब्रांच और अपना ईयर ऑफ इंजीनियरिंग यहाँ पे डाल के हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना है। अपनी एक व्हाट्सएप कम्युनिटी है जहाँ पे 3,000 से ज्यादा बच्चे हैं भाई, आप समझ रहे होगा। तो जो भी आपके काम की चीज़ है, समझ रहे हो, जो भी न्यूज़ है, जो भी स्टडी मटेरियल्स है, और साथ साथ काफ़ी चीज़ें यार, हम लोग बहुत सारी वीडियोस बनाते हैं, रिसेंटली हम लोगों ने सीडैक का वीडियो बनाया, तो वो सब हम आपको व्हाट्सएप पे शेयर करते हैं, तो आप हमारी कम्युनिटी में डायरेक्टली यहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। तो जिस तरह से अपन ने न्यूज़ देख लिया, अब ब्लॉग्स भाई, अपने को अपने दिमाग में नॉलेज लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, और सही नॉलेज बहुत ही ज़रूरी होता है। तो इसीलिए पहले LMTC वीडियो देता था, बट हम लोग ने ब्लॉग्स भी शुरू किए हैं, और आपके काम के बहुत सारे ब्लॉग्स हैं, जैसे गेट एग्ज़ाम्स के बारे में हमने सिर्फ सुना है, लेकिन अब तक कोई एग्जैक्टली चीज़ें नहीं पता, तो आपको गेट एग्ज़ाम की सारी डिटेल्स यहाँ पे मिल जाएगी। अभी जैसे टेस्ला की नई कार इंडिया में आ रही है, तो एक लेटेस्ट ट्रेंड था वो, तो ऑटोमेटिक कार किस तरह से काम करती है उसकी बेसिक वर्किंग आपको यहाँ पे मिल जाएगी। उसी तरह से लिंक्डइन प्रोफाइल कितनी ज़रूरी है आपकी जॉब के लिए, उसका ब्लॉग इधर है। ऑनलाइन एग्जाम चल रहे भाई, ऑफलाइन तो अभी हो नहीं रहा, कॉलेज नहीं शुरू हो रही कोरोना की वजह से, तो ऑनलाइन एग्जाम चल रहा है, तो उसकी सारी डिटेल्स के किस तरह से ऑनलाइन एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना है उसका पूरा ब्लॉग यहाँ पे अवेलेबल है। M3 तो इसको आप M4 के लिए भी यूज़ कर सकते हो, कि किस तरह से M3 और M4 का ऑनलाइन एग्जाम्स की MCQs प्लस डिस्क्रिप्टिव की प्रिपेरेशन करनी है। हैंडमेड नोट्स बनाना वर्थ इट है कि नहीं है, और UI UX डिज़ाइनर क्या होता है, उन सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलेगी, और ये तो शुरुआत है, आगे बहुत चीज़ें आने वाली है। साथ में ये जो पीछे क्लासी अगर आप बैकग्राउंड देखोगे, तो ये निशाद ने बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया है, एक ही चीज़ को डिज़ाइन किया गया है, और वो बहुत मज़ा आया मेरे को। आपको एग्जाम सॉरी फॉर द इंटरमीडिएट, तो आपको एग्जाम की जैसे मैंने बोला था कि कल रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, तो आपको यहाँ पे रिजल्ट मिल जाएंगे। अब ये आपको समझ गई चीज़ें। अब यहाँ बेसाइड में अगर आप देखोगे, तो ये कुछ टॉपिक, सबसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंजीनियरिंग मैथ्स के कोर्सेज हमारे यहाँ पे M3 का कोर्सेज मोर देन 500 स्टूडेंट ने बाय किया है ब्रो, इट्स नॉट अ फ्री कोर्स, 500 स्टूडेंट ने बाय किया, सो दैट्स एन अमेजिंग थिंग। तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के कोर्स आप डायरेक्ट यहाँ से जा सकते हो। टेक्निकल कोर्सेज भी लास्ट कॉम्पिटिशन प्रोवाइड करवाता है, जिस तरह से पाइथन हो गया, एप्टीट्यूड हो गया, एप्टीट्यूड पाइथन में टेक्निकल में नहीं आता, बट आपको जॉब लेने के लिए सबसे पहले तो एप्टीट्यूड क्या करना पड़ेगा, तो वो हो गया, साथ में पाइथन हो गया, मशीन लर्निंग हो गया, डेटा साइंस की कोर्सेज हो गए, तो वो सारे LMT प्रोवाइड करता है, तो उसकी डिटेल्स भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अभी जैसे ऑनलाइन एग्जाम MCQs के फॉर्म में हो रहे हैं, तो आपको यहाँ से MCQs में भी आप डायरेक्ट जा सकते हो। अब आ जाते हैं Python 0 to 0, जो हमारा बेस्ट कोर्स है, वन ऑफ द बेस्ट कोर्स, जहाँ पे हम लोग 2 महीने की ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। ट्रेनिंग मतलब 2 महीने आपको पूरा मेंटरशिप किया जाएगा, और आपसे पूरा कोर्स करवाया जाएगा, आपको डाउट सॉल्विंग होगी, तो वो कोर्स हम लोग ने यहाँ पे ट्रेनिंग कोर्सेज में रखा है, और एप्टीट्यूड भी हमारा बहुत सही चल रहा है, क्योंकि यार लोगों को यार ये कोर्स जितने भी लिया ना, उन्होंने एप्टीट्यूड हंसते हंसते क्लियर कर लिया, तो वो भी आपको डायरेक्ट यहाँ से मिल जाएगा। अब आ जाते हैं डायरेक्ट आप MCQs में यहाँ से जा सकते हो। मैं एक बार वापस होम पे चला जाता हूँ, और क्या क्या चीज़ें आपके लिए मैं वो बता देता हूँ। आप बोलोगे यार सुमेर यहाँ पे तो नोट्स का सेक्शन नहीं मिल रहा, तो बहुत जल्दी नोट्स का सेक्शन ये कोर्सेज के बाजू में आ जाएगा। अब फॉर एग्जांपल समझो यार, आप ऐसी आपकी यूनिवर्सिटी यहाँ पे नहीं है अवेलेबल, तो आप क्या करोगे, तो आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग में डायरेक्ट जा सकते हो, जेनरिक है, आप समझ रहे होगा, समझो आप फर्स्ट ईयर के बंदे हो, लेकिन आपकी यूनिवर्सिटी इधर नहीं है, तो क्या करना है। कोई बात नहीं भाई, 10 के 10 सब्जेक्ट जो हमारे पास फर्स्ट ईयर के अवेलेबल है, सब में काफ़ी चीज़ें तो कॉमन होती है। BEE हर फर्स्ट ईयर के लॉन्डे को होता है, इंजीनियर मैकेनिक्स हर फर्स्ट ईयर के बंदे को होता है, ED होता है, तो वो सारे फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, अपना सब्जेक्ट उठा के पढ़ना शुरू कर दो। बैक चले जाते हैं, उसी तरह से कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, IT इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग है, तो हमारे पास जो भी कोर्सेज है ना कंप्यूटर्स के, वो सारे कोर्सेज हम लोग ने यहाँ पे पुटअप कर दिए है, तो आपको सिर्फ अपने काम की चीज़ इधर सर्च करनी है, या फिर यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके अपना कोर्स ढूंढना है, दैट्स इट, और वही चीज़ आपको यहाँ पे भी मिलेगी, वही चीज़ आपको यहाँ पे भी मिल जाएगी, कि आपको अपने इंजीनियरिंग के कोर्सेज यहाँ पे मिल जाएंगे, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के कोर्सेज यहाँ पे मिल जाएंगे, प्लेसमेंट प्रिपरेशन के रिलेटेड, यार अपने को यार जॉब की तैयारी करनी है यार, मतलब समझ रहे हो, प्लेसमेंट की तैयारी करनी है, तो उसके रिगार्डिंग भी कोर्सेज हम लोग ने बनाए हैं, जो आपको टेक्निकली स्ट्रॉन्ग करेंगे और एप्टीट्यूड के प्रिपरेशन में हेल्प करेंगे। तो जिस तरह से हम देख सकते हैं यहाँ पे Python 0 to 0 है, डेटा स्ट्रक्चर जो एक ऐसी चीज़ है जो आपको स्ट्रॉन्ग होना चाहिए अगर आप टेक्निकली प्रिपेयर कर रहे हो, मशीन लर्निंग का कोर्स है, पाइथन फॉर बिगनर्स है, ये Python 0 to 0 मशीन लर्निंग विद वेब डेवलपमेंट है, उसी तरह से एप्टीट्यूड है, SQL है, इंटरव्यू सीरीज है, जहाँ पे हम लोग ने गूगल में बंदे काम करने वाले के इंटरव्यू लिए हैं, माइक्रोसॉफ्ट में बंदा काम करने वाले के इंटरव्यू लिए, और बहुत सही सही इंसान के इंटरव्यू लिए हैं, जिनसे अपने को सीखने मिलेगा, इतना क्लियर है, और बहुत हेल्पफुल चीज़ है। इसके अलावा और क्या, इसके अलावा आप हमारे YouTube चैनल को डायरेक्ट जा सकते हो, हमें Instagram पे फॉलो कर सकते हो, आपको LMT का काम पसंद आया भाई, यहाँ पे डायरेक्ट MCQs में जा सकते हो,
तो आप सक्सेस स्टोरीज में जाके अपने खुद की स्टोरीज पुट कर सकते हो। जैसे अगर आप देख सकते हो तो लोगों ने अपनी सक्सेस स्टोरी डाली हुई है, तो आप पढ़ भी सकते हो किस तरह से लोगों को काम पसंद आ रहा है। तो उसी तरह से आप अपनी कहानी का बता सकते हो कि किस तरह से LMT से आपकी हेल्प हुई। अभी रिसेंटली हमारा जो नेक्स्ट कोर्स है पाइथन 0 to Hero का, वो 1st week of April से शुरू होने वाला है, इसलिए हम लोग ने उसको टॉप पे रखा है। तो यार 2 महीने से बहुत मेहनत कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि कैसा ना है कि ये वेबसाइट मेरी ड्रीम थी, और शुरुआत में मतलब एक ही टाइम में पहले से डायरेक्ट हम लोग वेबसाइट में, मैं तो नॉन टेक्निकल बंदा हूँ यार, मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूँ लेकिन मेरे को यार टेक्निकली उतनी चीज़ें नहीं पता, अपने को तो वीडियो बनाना आता है। बट सब टीम की मेहनत, जैसे अद्वैत हो गया, और सबसे पहले तो अभिषेक भाई ने हम लोग की वेबसाइट का बैकग्राउंड, जो अपना जो कभी वेबसाइट डाउन नहीं होती वहाँ पे हमारी मदद की थी, और फिर हम खुद लोगों ने सब मिल के बैठ के वो चीज़ें की। अद्वैत ने ये चीज़ पॉसिबल करवाई, मोनू, आदर्श, और यहाँ पे पूरी टीम जो है ना, उन्होंने मिलकर ये चीज़ करवाई है ताकि आपके लिए हम लोग और अच्छी और बेटर सर्विसेज ला पाए। इसी तरह से हम तो सपना है कि अगर अभी 3 यूनिवर्सिटी लाई है तो आगे 10 यूनिवर्सिटी भी लाएंगे और बहुत चीज़ें लाएंगे। तो इसकी ना एक स्टोरी है यार कि कैसे हमारी, सबसे पहले हम लोग ने, आपको पता है हमारी वेबसाइट में अपन ने ना डोमेन खरीदा, खरीदने के पैसे ही नहीं दिए, पूरा जुगाड़ कूपन कोड यूज़ करके डोमेन और सर्वर वीरवर सारा चला रहे थे। 2 या 3 साल हो गए उस बात को, और वहाँ से आप उन एक ऐसी वेबसाइट्स बना रहे हैं जहाँ पे इतनी सारी फैसिलिटी अवेलेबल कराया जा रहा है। बहुत एक स्टोरी है यार, तो मैं अपने दूसरे चैनल पे, सुमेर सिंह शो करके चैनल है, वहाँ पे डालूंगा, क्योंकि वो बहुत सही स्टोरी है यार, तो वो भी मैं शेयर करना चाहता हूँ। बट ये हमारी वेबसाइट थी, सो आई होप ये वेबसाइट आपको अच्छी लगी रहेगी, और जाओ चेकआउट करो, दैट्स इट मैन। और भी बाकी चीज़ें भी हम लोग बहुत जल्दी आपके लिए लाने वाले हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। Thank you.